YouTube चैनल कुकिंग फीस्ट में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चाउमीन। तो चाउमीन बनाने के लिए हमने सबसे पहले पानी बॉईल करने के लिए रख दिया और इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून नमक। पानी जो है वो हम अपने नूडल के अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर नूडल ज़्यादा है तो हम भगोने को भरकर पानी रखेंगे, क्योंकि इसको बॉईल करने के लिए हमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है। और अगर आपके नूडल कम है तो हम हाफ भगोना पानी भी रख सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें बॉईल अच्छे से आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपने नूडल्स। ये मैंने टॉप्स के नूडल्स लिए हैं और मैं इनको बिना तोड़े ही डाल दे रही हूँ। अभी जैसे जैसे ये नीचे जाएंगे अपने आप सॉफ्ट होते जाएंगे और अंदर डीप हो जाएंगे। ये मैंने पूरा एक पैकेट टॉप नूडल्स का इसके अंदर डाल दिया है। ऐसे अंदर कर देंगे और अब इसको खोल के ही हमें 5 से 10 मिनट के करीब इसमें लगेंगे बस इनको बॉईल होने में। तो इसमें हमने पहले नमक डाल ही दिया था, अब थोड़ा सा इसके अंदर हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। इसमें करीब 1 से 2 टेबल स्पून के करीब रिफाइंड डालेंगे, जिससे कि ये चिपके ना। 100% कुक नहीं करना है, करीब 80% कुक करना है। अगर हम 100% कुक कर देंगे तो क्या होगा, ये बिल्कुल गल जाएंगे और फिर हमारी चाउमीन जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए हम इसको ऐसे नखून से दबाकर देखते रहेंगे और जैसे ही ये हमारे 80% के करीब कुक हो जाएंगे तो इसको हम बंद कर देंगे। तो ये हमारे अब कुक हो चुके हैं, गैस हम अपनी ऑफ कर देंगे और इनको हम एक छन्नी में निकाल लेंगे बड़ी सी और फिर इसको ठंडे पानी से वॉश करेंगे। तो अब ये हम छन्नी में डाल देंगे। हमने छन्नी रख ली है इसके अंदर और सारे जो अपने नूडल्स हैं वो हम इसके अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए सारे नूडल्स मैंने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिए हैं। अब इसको हम, ये देखिए सारा पानी इसका ड्रेन कर दिया अच्छे से और इसको अब हम फिर से ठंडे पानी से वॉश करेंगे। उससे क्या होगा, ये आपस में चिपकेंगे नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसको हम हाथों से ऊपर नीचे कर देंगे, जैसे कि नीचे वाले भी ढंग से वॉश हो जाए। अब ये जो नूडल्स हमने वॉश किए थे इसके अंदर हम थोड़ा सा रिफाइंड मिलाकर और इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसमें हम रिफाइंड डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे, जैसे कि आपस में चिपके ना ऊपर नीचे। ये देखिए हमने रिफाइंड डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इनको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद ही हम क्या कहते हैं अपनी चाउमीन बनाएंगे। अगर हम गरम गरम में चाउमीन बनाएंगे तो क्या होगा, ये नूडल जो है सारे आपस में चिपक जाएंगे और फिर ये जो चाउमीन है वो अच्छी नहीं बनेंगी। ये जो नूडल्स हैं वो अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, इसमें हमने ऑयल लगा के रख दिया था और अब हम अपने चाउमीन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमने गरम कर लिया है। इसके अंदर हम, ये हमारी वेजीज हैं, हम मैंने शिमला मिर्च और अनियन लिया है और इसके साथ में आप पत्ता गोभी ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं। तो इनको हम कढ़ाई में डाल देंगे, इनको हम एक ही साथ डाल देंगे और हाफ कुक कर लेंगे। इनको पूरी तरह से कुक नहीं करना है इन्हें। तो ये वेजिटेबल्स हमारी अब कुक हो गई हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून अजीनोमोटो। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अजीनोमोटो को। और इसमें हम डाल देंगे अपने नूडल्स। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस। सोया सॉस अपनी स्वाद के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और डालेंगे 1/2 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका,
और इनको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर हमें कोई भी इंग्रेडिएंट कम लगता है तो हम उसको बाद में और बढ़ा सकते हैं। तो मुझे इसमें सोया सॉस थोड़ी कम लग रही थी, तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस और डाले दे रही हूँ। और पहले हमने 1 टेबलस्पून डाली थी, 1 टेबलस्पून और डाल दी है, तो ऐसे इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस पड़ चुकी है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नमक इसमें कम था तो मैंने नमक भी थोड़ा और डाल दिया है इसमें। तो आप अपना टेस्ट करके अपने अकॉर्डिंग इसमें चीज़ें बढ़ा घटा सकते हैं। तो इनको अच्छे से हम कढ़ाई में हिला हिला कर मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी चाउमीन बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।